सारे इमेजेस तो आप सबको बहुत फेमिलियर लग रहे होंगे, ये रोज ही हमें लोग इस तरह के नजर आते हैं अनफॉर्चुनेटली. वी हैव विद अस डॉक्टर फौजिया सईद जो डायरेक्टर है ऑफ मेहरगढ़ एंड शी इज अ मेंबर ऑफ आशा. वी आर जॉइंड बाय मिस्टर जमील यूसुफ. ही इज लीडिंग द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी which has been formed on the instructions of the Prime Minister. Assalamu alaikum. Thank you for being with us. Basically, kadi nazar rakhna taki ye kanoon jo hai ye proper tarike se implement ho, nafiz ho, right? Ye job keh sakte hain hum? Ji haan, because koi bhi kanoon banana to aasan hai, but ye kanoon to mera khayal hai Fauzia ko 10 saal laga banane mein. Aur is pe hum itne excited hue the, aapko yaad hoga ki jab ye pass ho gaya tha. Ab imagine karein jis basic kanoon, jo basic human right hai insaan ka, of freedom of movement, freedom of expression, and you know, freedom of jobs, equality. Jobs ka factor bhi aayega. This law will cover that also. Agar aapko interview mein, you know, just like any developed country mein hota hai, to wo bhi aspect ye cover hota hai jo hum neglect kar rahe hain, you know. Is waqt sabse bada challenge aapke liye kya pesh aa raha hai isko implement karne? Dekhiye, abhi iska aayega implement mein bahut problems. Aap bataiye jis kanun ko 10 saal lage banane mein, to resistance aap imagine kar rahe hain kitna immense hoga iske. Good news to badi hai ki private and government sectors ki baat kare to information mein dekh rahi thi State Bank of Pakistan ne kaha ki sare banks comply करेंगे इसके साथ ही. बड़े से पोस्टर्स भी उन्होंने आई बिलीव लगा दिए हैं कि ये कानून क्या है और इसकी खिलाफ वर्जी से क्या हो सकता है. उसके बाद जो गवर्नमेंट्स हैं हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया. गवर्नमेंट सेक्टर मतलब ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सेक्रेटरी से डायरेक्टिव आया जिसकी वजह से बहुत अच्छा सपोर्ट है वहां से कि ये बिल्कुल पुश मिला है और सब कर रहे हैं. बट मेन चीज आएगा फॉर्मिंग द कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी न्यूट्रलिटी, उसको सपोर्ट, यू नो, सिस्टम क्लीन करने के लिए. सेक्टर के अंदर अलग बनी होगी जो इंटरनल, इट्स लाइक एन इंटरनल ऑडिट की तरह है. ओके, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस टू द अटेंशन ऑफ द पीपल हु डू नॉट नो दिस. ताकि एक गुड न्यूज जो है उसको हम डिनाई कर सकते हैं. हायर एजुकेशन के अंदर भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज सबसे ज्यादा लेडी वुमेन वर्कर्स गर्ल्स यू नो जॉब्स होती हैं कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में. Absolutely. इनका रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेरी हाई यू नो. फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कुछ कंपनीज जो हैं, क्वाइट अ लॉट ऑफ द कंपनीज आई बिलीव. एंड देन सिर्फ 8 फेडरल मिनिस्ट्रीज रह गई हैं जिन्होंने कंप्लाइंट किया, हमारी तरफ आ गए हैं. एंड व्हाट अबाउट द पुलिस? पुलिस में भी है बट बात यह कि पुलिस का इम्प्लीमेंटेशन में तो आएगा सिर्फ ये वो कानून देख लेंगे, 509 है उसको FIR काटने की बात आती है, बट ये चीज वहां नहीं एंड करती है. बट मैं इससे पहले बात करने से पहले जो मैं एक्साइटेड हूं अबाउट दिस लॉ इज जब गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एक्सपेंसिस लोगों के फैमिली एक्सपेंसिस बढ़ गए हैं तो वुमेन को बाहर आना पड़ेगा काम करने के लिए बिकॉज वो हस्बैंड्स के फैमिली के फादर के इनकम को सप्लीमेंट कर रहे हैं. वो कब कंफर्टेबल फील करेंगे? जब गवर्नमेंट इस लॉ को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करे, एडवर्टाइज करे, पुलिस के पीछे पड़े, कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करे ताकि फैमिली नेटवर्क में कंफर्ट आए कि हमारी बच्चियां काम करने जा सकती हैं. अब इमेजिन करेंगे कितना कोलोसल इकोनॉमिक चेंज आ जाएगा हर फैमिली के अंदर. लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, घर में बैठी हैं, डॉक्टर्स हैं तो शादीशुदा करके खाना पका रही हैं कि माहौल अच्छा नहीं, आज माहौल अच्छा नहीं है, कहाँ जाएंगे, रात को हाउस कॉल आएगा तो कैसे जाएंगे, यू नो. ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये सबका सॉल्यूशंस है ये. अगर आप उस तरह से देखें उसको, पूरा इकोनॉमिक्स डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा. जमील साहब, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप. फॉर इंस्टेंस, लड़कियों को अगर लेट नाइट काम करने की इजाजत है, अंदर मेनी सिचुएशंस या कंपनीज जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप देर तक आपको काम करना पड़ेगा अगर आप आगे तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हॉस्टाइल एनवायरमेंट है या बाहर निकलेंगी तो खतरा है, वो घर वापस कैसे जाएंगी, अकेली ड्राइव नहीं कर सकती, शुड देयर बी ट्रांसपोर्ट मेड अवेलेबल फॉर देम, फॉर द लेडीज? हाँ, जितने आपके कॉल सेंटर्स हैं वो 24/7 काम करते हैं और कॉल सेंटर्स में बेहतरीन जॉब्स है, इंडिविजुअल बेस्ड है, यू नो, वहां आप लीस्ट इंटरेक्शन विद अदर एक्सेप्ट व्हेन यू आर हैविंग कॉफी एंड टी एंड ऑल दैट, जो ब्रेक्स हैं. और इसमें बेहतरीन सैलरीज हैं, वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोग्रेसिव जॉब है, एंड गर्ल्स आर एक्सेलेंट एट इट. गर्ल्स आर मोस्ट डेडिकेटेड एंड गुड वर्कर्स. ओके, नाउ टू रीकैप, आई नो यू विल किल मी फॉर दिस, लेकिन फिर से अगर हम बात करें कि ये लॉ के बारे में थोड़ा सा एक्चुअली बता दें लोगों को कि ये कानून है, कौन कौन सी चीजें जुर्म है, उनकी सजा क्या है. ठीक है, पहली बात तो ये कि हर इदारा, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सिविल सोसाइटी का इदारा हो, उसके ऊपर ये लाजिम है कि एक जाब्ता अखलाक अपनाएं.
ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में आशा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वेबसाइट अगर आप दिखा भी दीजिए, www.asha.org.pk, ठीक है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। अभी इसका पोस्टर हमारे पास भी कहीं पे था ना, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, वो भी दोबारा अगर हम दिखा दें तो लोगों को पता चल जाएगा दिस इज व्हाट शुड बी इन योर ऑफिस। यस, तो उसके तहत ये आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपनाना, विच मीन्स कि आपने कोई ऑफिशियल मेमो निकाल के ये सर्कुलेट करना है अपने स्टाफ में कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमारी HR पॉलिसीज का हिस्सा बन गया, ठीक है, एक ये जरूरी बात है। दूसरा, इस कानून के तहत आपने इसको डिस्प्ले करना है। हमने तो उसके पोस्टर्स छपवा लिए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, उनको फिर आसानी हो कि वो पोस्टर्स कहीं लाउंज में, कैंटीन के पास, कहीं ऐसी जगह जहां लोग पढ़ सकें, क्योंकि क्या होता है पॉलिसी अडॉप्ट भी हो जाए लोगों को पता नहीं होता, तो ये पब्लिसाइज करना है। तीसरी चीज उन्होंने ये करनी होती है कि एक कमेटी बनानी है, 3 मेंबरों पर मुश्तमल, उसमें से एक औरत होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकती, और वो कमेटी जो है आपकी ग्रीवियंस कमेटी की तरह से होगी। किसी भी एम्प्लॉय को कोई शिकायत है तो वो कागज के ऊपर लिखकर या जाके जुबानी इस एक कमेटी मेंबर से बात कर ले, फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बाकायदा इंक्वायरी होगी। आप एक गैर रस्मी तरीका है जिसमें बात ज्यादा फैलती नहीं है, बाज़ औक़ात तो दूसरा जो कम्प्लेनेंट, जो अक्यूज है, उसको मालूम भी नहीं होता, आप रिजोल्व कर लेते हैं। एक फॉर्मल तरीका है, उसमें बाकायदा तौर पर जो सारे लीगल उसके लवाजमात होते हैं उसके साथ इंक्वायरी होगी। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड बॉडी है उसके ऊपर संजीदगी के हिसाब से डील करते हैं, वो सजाएं भी उसमें दे दी हैं, लॉ में लिखी हुई है पूरी रेंज, कि हल्के लेवल के क्राइम के ऊपर। तो ये फॉर्मल सेक्टर तो पूरा ये कानून कवर कर लेता है। जो दूसरी तरमीम थी पाकिस्तान पीनल कोड में दफा 509 के अंदर, वो फिर बाकी पाकिस्तान में जितनी औरतें हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर है, सड़कों पे, बस स्टॉप्स पे, उनको कवर करती है, घरों में। सी, अगर एंड यू कैन काइंड ऑफ, इफ इट फ्लोज आउट ऑन द स्ट्रीट इज वेल, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और इट कैन बी हल्का फुल्का थिंग, जैसे आपने कहा क्योंकि SMS किसी ने आपको बुरा भेज दिया या आपको थोड़ा सा दो मिनट बाद आके पोर्नोग्राफी है कंप्यूटर के जरिए भेज दी, बाज़ोकात फिर ये दिस फ्लोज इन टू, अगर उसको फॉर इंस्टेंस बॉस ने आके उस लड़के को वार्निंग देनी है, राइट, कि आप इस तरह ना करें, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना फायर हिम फॉर दैट, उसको वार्निंग देगा। नाउ दैट गर्ल स्टेपिंग आउटसाइड ऑफिस आवर्स के बाद जब वो बाहर निकलेगी घर जाने के लिए, उसको तो सारा खतरा हो गया, मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, एसिड फेंक देगा, कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर तो अभी तक ये देखा गया है कि जब ये कानून लागू होता है ना, और एक इदारा अपने अंदर अनाउंस करता है कि ये अब बिहेवियर टॉलरेट नहीं हो, तो उसी से बहुत फर्क पड़ जाता है। ये जो छोटे मोटे मसले हैं ये वहां पर ही रिजोल्व हो जाते हैं। एक डिटरेंस उसका जो इफेक्ट है ना, लोगों को ये पता चल जाए, मैनेजमेंट सीरियस होगी, अगर मैनेजमेंट सीरियस हो जाए तो आधे मसाइल तो वहीं आपके हल हो जाते हैं। फिर रह जाते हैं वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको पता है कि वो बॉस हैं, जैसे खुद या उससे बाला तर हैं, वो होता है ना बाज़ औक़ात आपके ऐसे लोग होते हैं पावर बेस में जो कहते हैं भाई हम पे नहीं कोई चीज लागू होती, तो वहां पर ज्यादा मसाइल रह जाएंगे, क्यों वहां वो चैलेंज। एक चीज फौजिया ने शुरू में बहुत अच्छी बात की थी कि लड़कियों को भी वेरी क्लियर कर देना चाहिए, जब फर्स्ट टाइम कोई एडवांस करता है या कोई ऐसी बात करता है कि क्लैरिटी रहे। लड़कियां ज्यादातर एम्बिगुअस रहने देती हैं, मिस्चीवियस भी होती हैं दोनों तरफ, फिर वो चीज कभी हद से बाहर चले जाती है, तो उनको ये चीज को कटेल करने के लिए पहले ही लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए और फ्रेंडशिप क्या लाइन है। एंड गर्ल्स डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस, प्लीज लेट गो ऑफ दिस फियर, अपनी लाइन ड्रॉ करो, अल्लाह मियां ने तुम्हें तरक्की देनी होगी और जहां पहुंचाना वो पहुंचा देगा, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट कीपिंग योर डिस्टेंस। एक छोटा सा आई थिंक हमने कुछ एक एनिमेशन भी दिखानी है, थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू हैरास समबडी इवन दो वी ऑल नो दिस, सो वील चेक दैट आउट एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, वील बी राइट बैक आफ्टर दैट। Oh, oh, oh.